सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका फ्रेंड फैंसी पोकेस्टा और आज हम खेलने वाले पोकेमोन यूनाइट और उसमें हम खेलने वाले गार्डिवर से। और इसको आपको पता ही होगा कि इसका डैमेज कितना ही खतरनाक है और इसको नया बफ मिला है, मतलब इसके शाइक शॉक को तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और इसका बिल्ड भी मेरे पास काफ़ी ओपी वाला है। तो एंड तक वीडियो देखना, मैं आपको बिल्ड जल्दी ही दिखा दूंगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, 71% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत दुख होता है। तो जल्दी से हम यहाँ के ईपॉम ले लेते हैं और सब्सक्राइब भी कर देना आप, और जल्दी से यहाँ के ईपॉम ले लेते हैं और फिर जल्दी से 5 लेवल होते हैं, क्योंकि इसके जब तक 5 लेवल नहीं होता तो इसका डैमेज बहुत कम होता है। और हाँ, कन्फ्यूजन को बफ मिला है बट फिर भी इतना डैमेज नहीं दे रहा जितना देना चाहिए भाई। बाकी पोकेमॉन अच्छा खासा, जैसे कि फ्रोके का बबल ही देख रहे हो भाई, बहुत अच्छा डैमेज देता है, वो स्टील करने के लिए भी काम आता है। और ये देखो, मैं ले भी नहीं पाया वो तो कोई ना भाई, हम भाई एक बार इवॉल्व हो जाए फिर इनको दिखाएगी कि भाई क्या होता है भाई ताकत। और भाई मैंने इससे 80K डैमेज दिया है बस इसी मैच में भाई। नॉर्मल इसका 70K, तो इसका इतना नॉर्मल हो गया इसके बफ के बाद। पहले भी बहुत नॉर्मल था बट इसके बफ के बाद तो ये और नॉर्मल हो गया, इस बिल्ड के साथ तो और भी तगड़ा हो गया है। और मैं आपको ये बिल्ड भी ज़रूर जल्दी बता दूंगा, थोड़ी ही देर वीडियो देखनी है आपको, उसके बाद भी पूरी देखना मैं कितना अच्छा खेलता हूँ वो भी देख सकते हो आप। और जल्दी से ये वाली 20 भी ले लेते हैं भाई। इसका कन्फ्यूज़न मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब ले लो स्टील करो भाग जाओ। और यार एक तो ये 2 बंदे इसलिए भाई मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे, वरना भाई हमारा एक बार कोई और पोकेमॉन आ जाने तो भाई ऊपर, और हमारा जंगलर भी नीचे चला गया, बट कोई ना जल्दी वो ऊपर आ जाएगा दूसरी बार में। और जल्दी से ये एपॉम लेता हूँ मैं, चलो कोई ना जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार मुझे बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मैं इवॉल्व नहीं हुआ भाई, अगर भाई अभी कर लिया होता तो बहुत भाई मज़ा चकाता इस क्रसल को यार। ओए क्रसल कहाँ गायब है भाई, ओ हेलो हेलो भाई, बच के रहना। इसका बिल्ड बताओ, तो इसका बिल्ड है बड़ी बैरियर और हमारा हॉन्टर आ गया, चलो नाइस नाइस। अरे यार फिर भी इसने गोल कर दिया, शायद ये स्कोर शील्ड वाला है, बट छोड़ो कोई ना। अरे ये जाएगा छोड़, अच्छा चलो भाई मार दिया। अच्छा इसका बिल्ड है बड़ी बैरियर, चॉइस पैक्स एंड वाइस ग्लासेस, ये तीनों लगा सकते हो। और अगर आपको वाइस ग्लासेस नहीं लगाने, स्पेशल अटैक ग्लासेस लगाने, आप टीम के साथ खेल लो तो कर लो भाई, टीम के साथ स्टैक इजीली हो जाएगा आपका। और चलो ठीक है भाई, मेरा शैक शॉक आ चुका है भाई, अब नहीं छोड़ूगा इसको। अरे भाई एक बार पकड़ में तो, अरे यार अरे यहाँ पे थी इसलिए भाई बच गई, क्योंकि बेस पे हमें एक छोटी सी शील्ड मिलती है अगर आपको पता होना हो तो, एक्स्ट्रा HP वाली। और ये देखो अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा इतना अच्छा लेवल नहीं हुआ, वरना भाई बहुत गंदा डैमेज देता है शैक शॉक। ओके, और ये देखो भाई खा रहा है भाई लिटरली। और यहाँ पे गोल कर गेंगल जल्दी से, और ये फिर भी भाई डीट है भाई, जा ही नहीं रही है यहाँ से। चलो किल मेरे को मिल गया, नाइस। और जल्दी से ये 20 भी ले लेते हैं और उसके बाद नीचे रोटेशन देते हैं। ओके जल्दी से 20 ले लेते हैं और ये सारी 20 मिल गई। और हॉन्टर शायद नीचे रोट, नहीं 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 क्या भाई नीचे रोटेशन देने। और इसके साथ मैं लेने वाला हूँ साइकिक, ओके नहीं सॉरी मून ब्लास्ट लिया है, ओके कोई नहीं मैंने मून ब्लास्ट ले लिया। और मून ब्लास्ट इसका इसलिए काम आता है कि इसका स्टन देते हैं, बट हाँ मून ब्लास्ट का डैमेज काफ़ी कम है, काफ़ी हद से ज़्यादा। और भाई उन लोगों ने ले लिया तो भाई जल्दी से ये वाला लेते हैं। आई थिंक मैं नहीं ले पाऊँगा भाई, मैं अकेला हूँ और रोटम का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे इनकी ये भी आ चुकी है भाई, अरे यार ये इवॉल्व हो चुकी है भाई, कोई भी नारी हो हमेशा भारी पड़ती है भाई, कोई भी हो, भले ही मैं अभी इसके अंदर नारी क्यों ना बनाऊँ, मतलब मेरा पोकेमॉन नारी क्यों ना हो, बट वो वाली नारी कुछ ज़्यादा ही है भारी। अरे यार मून ब्लास्ट का डैमेज कम है, वरना साइकिक होता तो मैं स्टील कर लेता, साइकिक ज़्यादा बेटर है, अगर आपको लेना तो साइकिक ले सकते हो, क्योंकि साइकिक ज़्यादा डैमेज भी देता है और वो आपके बेसिक अटैक की स्पीड भी बढ़ाता है, ऊपर से उन सामने वाले बंदों को स्लो भी करता है। और ये गया, एक गया भाई, ये दूसरा भी जाएगा। अरे यार ये ड्रॉप किक वाली है, नहीं 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 भाई मारो, ओ भाई क्या ही बचाओ यार। मून ब्लास्ट इसलिए ही काम आता है भाई, अगर साइकिक होता तो मैं बच ना पाता क्योंकि वो स्टन नहीं होती, बट हाँ मून ब्लास्ट स्टन कर देता है और कोई आपके साथ प्लेयर है तो वो मार डालेगा भाई सामने वाले के टीम को, मतलब सामने वाले बंदे को। ओके मैंने ये वाला भाई, ये मेरे को फार्म करने अच्छे से नहीं दे रहा है, बट कोई ना चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये अच्छा ही खेल रहा है, इतना बुरा भी नहीं खेल रहा। ओके और हमारी अल्टी हमारे साथ आ चुकी है, और भाई मैं चलता हूँ गोल करने भाई, कोई है ही नहीं उनके बेस पे। अरे है भाई यहाँ पे, ये है भाई, ये लगता है भाई ऑफलाइन है भाई, मज़ा आएगा, अब किल मिलेगा भाई। अरे यार ये कहाँ से आ जाती है भाई, जब देखो ये, अरे यार मेरे को जाना है, नेटवर्क एरर भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई ना। अरे यार वो मर गई क्या, ओ हेलो भाई ये क्या है, ये कहाँ से आ गया भाई, ये मार डालेगा मेरे को भाई शायद तक तो मैं, भाई क्रसल मदद कर ले थोड़ी, क्रसल बचा भाई, क्रसल ने बचाया ही नहीं यार
भाई क्रसल की धोखेबाजी के बाद मैं वापस से रिवाइव होके आ चुका हूँ और भाई अब मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई हमारा ड्रैगनाइट अब मार रहा है भाई सामने वाले की टीम के क्रसल को, बट हाँ किल मैंने ले लिया, कोई ना। और जल्दी से यहाँ पे चलते भाई, अब गोल करना है मेरे को। पहले मैं गोल करने की सोच रहा हूँ ताकि भाई वो जल्दी से आना पाए। अरे यार नहीं 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 नहीं, अरे यार मैं बेस के अंदर नहीं घुसा था वरना हो जाता भाई, मार डाला मेरे को भाई। माचैन बहुत स्ट्रांग है भाई, गाड़ी और एक बार हाथ में आता है तो मार ही देते। और भाई ये मेल्ट कर रहे भाई, काश हमारी टीम में से कोई स्टील कर ले प्लीज़, कोई तो चले जाओ भाई। क्रसल भाई, क्रसल से तो उम्मीद ही नहीं है भाई रद्दी भर की। छोड़ो भाई टॉप पे चलते हैं क्योंकि वो तो जाने ही वाला है। अरे यार छोड़ो भाई, एक बार कोशिश तो कर ही लेते हैं भाई। क्रसल मर रहा है, ओ भाई क्रसल मरता है तो ही ज़्यादा अच्छा था भाई। ये भाई क्रसल किसी काम का ही नहीं है भाई, कचरा पोकेमोन। मतलब सामने वाली टीम का क्रसल अच्छा है, और हाँ नॉर्मल क्रसल आप भी बहुत अच्छा चलाते होगे, बट हमारी टीम का क्रसल को ज़्यादा ही बकवास है। और ये देखो भाई, अरे एल्डिकोस मस्त खेल रही है यार, बट कोई ना, जल्दी से इसको भी मेल्ट करते हैं भाई, ये रोटम को। ओ भाई ओ हेलो, ओ जरीना, जरीना तो गई, और ये भी जाएगा भाई, माचैम्प भी जाएगा, माचैम्प भी जाएगा। नहीं 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 भाई, जब देखो मेरे को मारने आ जाता, फिर से मार दिया। ओके मैं रिवाइव होके आ चुका हूँ ड्रैगनाइट ऊपर भाई। अरे यार टच हो गया भाई, कोई ना। अरे जल्दी से इसको मारते भाई, मर जा मर जा मर जा भाई, ये मेरे को ही मार देगा भाई। इसका आउटर्ज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है भाई, और फिर से मेरे दो की स्ट्रीक बन गई, नाइस। इसका डैमेज अच्छा है गाड़ी और का, बट हाँ अगर ये एक बार हाथ में आ जाए तो फिर ये जाएगी, और इसके ऊपर फोकस काम का है, बट इतना काम का नहीं, क्योंकि भाई ये एक बार हाथ में आती तो फिर ये जाती ही है सीधा, इसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जल्दी से मैं ये वाला भी ले लेता हूँ कॉरफिश, और जल्दी से जाता हूँ ऊपर। और भाई हमारे एल्डिकोस ने 38 का गोल कर दिया, फिर भी हम स्ट्रगलिंग पे। अरे यार ये स्टील करने की कोशिश कर, ओ भाई स्टील कर दिया। अरे नहीं नहीं पीछे मत आना, ओके भाई मैं बच गया, पीछे नहीं आया वो, और मैं मदद करना भी नहीं चाहता। अरे ये भाई क्रसल कहाँ से आ गया भाई, छोड़ो भाई, दोनों ने मिल के मेरे को मार दिया। ओके मैं रिवाइव होके आ चुका हूँ, और मैं जा रहा हूँ बॉटम लेन पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडनो आया हुआ है, और शायद चला गया भाई, आया हुआ है। और लो कर देता हूँ फ्रेम रेट, क्योंकि भाई इतना भाई पता नहीं क्या, इतने FPS गिर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, बहुत लैग कर रहा है। और जल्दी से इस रेडनो को ले लेते भाई, काश कोई स्टील ना करे। ओके हमें ही मिला है भाई, हमारे एल्डिकोस ने स्टील किया। और ये भाई ये कहाँ से आ गए भाई, मारो इसको, सब मिलके मारो भाई। अरे भाई भाई भाई, नाइस। और ये स्टन दिया भाई, मार दे, नाइस भाई। एल्डिकोस भाई मस्त किल स्टील कर रही है भाई, खेल तो अच्छा रही है, बट साथ में किल स्टील भी अच्छा कर रही है, और सपोर्ट भी अच्छा ही कर रही है। और जल्दी से हम ये लेने की कोशिश करते हैं भाई, डैमेज देना शुरू कर देते हैं। और मून ब्लास्ट अगर प्लस हो जाए तो इसकी खासियत तो देख ही सकते हो भाई, रेडनो जैसे एक और स्टील हमें शील्ड हमें मिल जाती है, जो काफ़ी काम की और यूज़फुल है भाई, मस्त शील्ड है। और भाई यहाँ पे मैं ही स्टील करूँगा, देखना ये देखो भाई कितना ही प्यारा स्टील है भाई, कितना ही प्यारा स्टील भाई, मून इससे शाइक शॉक से भाई, इतना ईजी स्टील भी है भाई, डैमेज भी इतना अच्छा है। और भाई मैं इसको मार के रहूँगा, इसको तो भाई मैं मार के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, नहीं मार पाया, चलो कोई ना। मैं गोल करने चला जाता हूँ जल्दी से, ये जैपडोस पूरे होने से पहले मैं मेन में गोल करना चाहता हूँ। ओके जल्दी से भागता हूँ मैं मेन में, प्लीज़ रास्ते में मुझे कोई मत मिलना, वरना मैं तो गया भाई, कचुम्बर बना देंगे ये लोग मेरा भाई। तीन तीन लोग भाई, एक का बोला था यहाँ पे, तीन लोग मिल गए भाई, मेरे को नहीं जाने देंगे, मैं गया। कभी भी जाओ तो भाई सेंटर से मत जाना नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी। इन लोगों ने पूरा हल्ला बोल दिया, बट कुछ भी हो जाए हम गोल करने तो नहीं देंगे भाई, कुछ भी हो जाए गोल करने तो मिलेगा ही नहीं इनको। और ये देखो भाई यहाँ पे मेरी स्ट्रीक पे स्ट्रीक बन रही है, नाइस। अरे ये भी जाएगी भाई, भाई क्या ही मारा है हम सब ने मिलके भाई उन लोगों को। अरे भाई मज़ा आ गया, और जल्दी से भाई 7 सेकंड में गेम भी ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं हम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ भी टाइम पास कर रहे हैं। ओके और टाइप्स अप, देखते भाई 90% चांसेस है कि हम ही जीते भाई, क्योंकि उनके गोल हुए नहीं और जैपडोस हमने लिया है, हमारी टीम के गोल भी बहुत हुए हैं, तो हम ही जीते भाई। और जल्दी से स्कोर दिखा देते हैं आपको। ओके स्कोर आ गए, और भाई मैंने कहा था भाई बहुत ही क्लोज भाई, 20 पॉइंट से हारे वो लोग, और मेरा हाँ स्कोर कम है क्योंकि मैंने स्कोर पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट हाँ मैंने डैमेज बहुत अच्छा दिया है और किल भी बहुत अच्छे किए। मतलब डैमेज तो देख ही सकते हो भाई, हाईएस्ट डैमेज है 82 का, दोनों टीम के अंदर मेरा ही सबसे हाईएस्ट डैमेज है, 9 और 8 भाई काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।